हेलो एवरीवन, हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको दो फॉर्मूलाज करवाए थे। ये जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट वाला, ये तब यूज होता है जब हम किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि यहाँ हमने पॉइंट लिया है जेड नॉट, और एक हमने ये फॉर्मूला करा था, ठीक है। इसके ऊपर हमने दो एग्जाम्पल्स करे थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमने देखी थी डिफरेंशिएबिलिटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसके ऊपर भी हमने एक एग्जांपल करा था। और लास्ट में हमने एक थ्योरम करी थी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। बस मैं आपको ये बताना भूल गया था कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स है ना, वो जरूरी नहीं है वो भी ट्रू हो। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है। ये पक्का है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा, ठीक है। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है बात। तो इसी टॉपिक को हम आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि लिमिट क्या होती है। अगर मैं बात करूँ लिमिट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब कि जो रियल नंबर के केसेस में जो हम लिमिट पढ़ते हैं वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। मतलब कि जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स एल को अप्रोच करेगा। ये हमारी होती थी ना लिमिट की डेफिनेशन रियल वैल्यूड फंक्शन के केस में। देखिए, यहाँ हमें ये कह रखा है कि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ की हेल्प से आपको समझाऊं, एक्स का ए को अप्रोच करने का क्या मतलब है, मतलब कि ए कहीं यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं होगा, है ना, ए कहीं एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ए को एक्स कैसे अप्रोच कर सकता है, या तो वो इस डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है या फिर इस डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है। दो ही डायरेक्शन है ना ए को अप्रोच करने की, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। बट अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, ठीक है, उस केस में आपके पास लिमिट कैसे होती है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल। मतलब कि जब जेड जेड नॉट को अप्रोच करेगा तब जो एफ ऑफ जेड है वो क्या करेगा, एल को अप्रोच करेगा। तो इस केस में कैसे होगा, इस केस में जेड का जेड नॉट को अप्रोच करने का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ x का a को अप्रोच करने का क्या मतलब है कि वो जहाँ तो यहाँ से a को अप्रोच कर सकता है या फिर यहाँ से अप्रोच कर सकता है, दो ही डायरेक्शन है। क्योंकि x टेंड्स टू a का मतलब कि ये मतलब कि x एक्सिस के ऊपर ही होगा अप्रोच करने का, जो ये काम है x एक्सिस के ऊपर होगा। बट जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं, उस केस में हमें कहा जाता है कि जो z है वो z नॉट को अप्रोच कर रहा है। z यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, मतलब कि z इज इक्वल टू x प्लस आईटा y की फॉर्म का होता है, ठीक है। इसका मतलब जो z है वो x और y दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इसको मैं ग्राफ से आपको समझाऊं, जैसे z है वो इसी किसी प्लेन में होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 1 2 3 1 2 3, यहाँ मैंने पॉइंट्स ले लिए। तो आपका z कहाँ होगा, अगर x 2 है और y 3 है तो x 2 है मतलब ये 2 और y3 मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या होगा, z होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 iota, ठीक है। और अब हम मान लेते हैं कोई हमारा पॉइंट है z नॉट, ठीक है, जहाँ इसको मैं यहाँ ओरिजिन पे मान लेता हूँ, ये z नॉट है यहाँ ओरिजिन पे, ठीक है। अब जो z है वो z नॉट को अप्रोच कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो z है वो z नॉट को बहुत सारे रस्तों से अप्रोच कर सकता है। यहाँ तो हमारे पास सिर्फ दो ही पाथ थे, यहाँ बहुत सारे पाथ होंगे। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि जो z है वो z नॉट को ऐसे अप्रोच करे, सीधा ही अप्रोच कर ले, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो z है पहले यहाँ जाए फिर यहाँ जाए, ठीक है, पहले जो z है यहाँ जाए फिर यहाँ जाए, मतलब कि x टेंड्स टू जीरो हो फिर y टेंड्स टू जीरो, मतलब कि पहले जो x है वो जीरो की तरफ अप्रोच हो फिर y जीरो की तरफ अप्रोच हो, तब भी वो z नॉट की तरफ जा सकता है ना। या ऐसा हो सकता है कि पहले y जीरो की तरफ अप्रोच हो फिर x जीरो की तरफ अप्रोच हो, मतलब कि ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। z z नॉट की तरफ और कैसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है इस पाथ से, ठीक है, जैसे कि इसको ये पाथ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इस पाथ से भी जा सकता है,
ठीक है, जैसे कि ये पाथ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो बहुत सारे पाथ्स हैं जिन पाथ से जो z है वो z नॉट को अप्रोच कर सकता है। आप यहाँ लिख सकते हो नोट में, इन रियल वेरिएबल्स, अगर मैं रियल वेरिएबल्स की बात करता हूँ, मतलब कि जब मैं इसकी बात करता हूँ, उस केस में x टेंड्स टू x नॉट का क्या मतलब है, यहाँ a ले लो चाहे x नॉट ले लो, ठीक है। x टेंड्स टू x नॉट का क्या मतलब है, दैट जो एक्स है वो अप्रोच करता है, अप्रोचेस टू एक्स नॉट अलोंग द नंबर लाइन, अलोंग द नंबर लाइन, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक्स एक्सिस ही है तो उसको हम नंबर लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही एक्सिस है ना, इसी एक्सिस को हमने मान लिया, ये एक्स एक्सिस ही है, सिर्फ यहीं हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, और यहीं कहीं हमारा कोई पॉइंट है एक्स नॉट या फिर ए कह लो, जिसको जो एक्स है यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है या फिर यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो अलोंग दी नंबर लाइन आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के केस में, इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स जो जेड टेंड्स टू जेड नॉट का क्या मतलब है, जेड टेंड्स टू जेड नॉट मीन्स दैट जो जेड है वो अप्रोच कर सकता है जेड नॉट को, अप्रोचेस जेड नॉट अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ, क्योंकि जो हमारे पास जो जेड है वो इस पूरे प्लेन में है, तो इस प्लेन में तो बहुत सारी कर्व्स बन सकती है ना। अगर मैं सिर्फ एक लाइन की बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, या तो यहाँ से या यहाँ से, बट अगर मैं इसकी बात करूँ प्लेन की, तो इसमें बहुत सारी कर्व्स बन सकती हैं, बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पाथ्स के द्वारा जेड जो है जेड नॉट की तरफ जा सकता है, ठीक है, उसको अप्रोच कर सकता है। तो वही लिखा है, अप्रोचेज जेड नॉट अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ, आइदर वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, और कर्व्ड, ठीक है। अब चलिए, जो हमने ये कंसेप्ट सीखा है ना, इस कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, जिसका जो यूज है आगे जो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस है उनमें यूज होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आपको कहा गया है हमें ये चेक करना है कि जो ये लिमिट है जेड टेंड्स टू जीरो, जेड बार अपॉन जेड एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम इसमें कैसे करेंगे कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, देखिए कोई भी लिमिट है, जैसे कि यहाँ जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड, ये एग्जिस्ट कब करेगी, अगर जो जेड है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है किसी भी पाथ से, और उसका मतलब कि उसकी जो लिमिट का जो आंसर आ रहा है ना वो एक ही आ रहा है, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ कोई भी पाथ ले लें, चाहे वाई इज इक्वल टू एम एक्स ले लें, ठीक है, कोई भी पाथ से, मतलब कि जेड को जीरो के ऊपर अप्रोच करवाएं, चाहे वाई इज इक्वल टू एम एक्स पाथ से अप्रोच करवाएं, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ से अप्रोच करवाएं, या फिर पहले हम एक्स को जीरो को अप्रोच करवा के फिर वाई को जीरो को अप्रोच करवा के इससे, मतलब कि जेड जीरो को अप्रोच हो, या पहले वाई जीरो को अप्रोच हो फिर एक्स जीरो को अप्रोच हो, और इससे क्या होगा, जेड जीरो को अप्रोच होगा। मतलब इन सब से जो इस लिमिट का आंसर है ना, कोई भी पाथ हो उससे इस लिमिट का आंसर क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि जो ये लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें ये कहा गया कि ये लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इसको चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, आपको पता है जो जेड होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस एट वाई होता है, ठीक है। अगर जेड जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स जीरो को अप्रोच करेगा और वाई भी जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, एक बात तो चलो ये होगी। दूसरा, जेड बार क्या होता है, वो होता है एक्स माइनस आयटा वाई, ठीक है। ये जो वैल्यूज है ना, इसको मैं इस लिमिट में पुट करूंगा, यहां मैं जेड की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि जब एक्स और वाई जीरो को अप्रोच कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, जेड जीरो को अप्रोच कर रहा है, और जेड बार की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस आईटा वाई, तो यहाँ मैं एक्स माइनस आईटा वाई लिख देता हूँ और जेड की जगह एक्स प्लस आईटा वाई लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कुछ पाथ्स चेक करने हैं, पहला पाथ मैं क्या लेता हूँ, पहला पाथ मैं क्या लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ ग्राफ से आपको समझाऊँ, यहाँ क्या कह रखा है कि जो जेड है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ जेड मान लेते कहीं यहाँ है और जीरो कहीं यहाँ है, ठीक है, जेड किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को।
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जेड जीरो को कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमें अलग अलग पाथ लेने हैं। जेड जीरो को कैसे अप्रोच कर सकता है कि पहले एक्स जीरो की तरफ जाए फिर वाई जीरो की तरफ जाए, तो ऐसे इस पाथ से जो है जेड जीरो की तरफ जा सकता है। ठीक है, मतलब कि पहले हम क्या लेकर चल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कि एक्स क्या है जीरो को अप्रोच कर रहा है, और फिर बाद में वाई जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये पाथ लेकर चल सकते हैं। तो पहले एक्स को मतलब इसमें हम जीरो पुट करेंगे, पहले मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। अब मैं एक्स को पहले यहाँ जीरो पुट करूंगा तो क्या आएगा, तो लिमिट एक्स को जीरो पुट कर देंगे तो सिर्फ वाई टेंड्स टू जीरो ही बचेगा, ये जीरो मेरा माइनस आयटा वाई अपॉन प्लस आयटा वाई। ठीक है, ये कट के माइनस वन आ गया। ठीक है, एक तो हमारे पास लिमिट ये आ गई। अब हम कोई दूसरा पाथ लेते हैं, जैसे कि एक हमने पहले क्या पाथ लिया था कि पहले एक्स जीरो को टेंड करेगा फिर वाई जीरो को टेंड करेगा, हम एक पाथ ये ले लेते हैं कि पहले जो वाई है वो जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, फिर जो एक्स है वो जीरो की तरफ जाएगा। मतलब कि अब हम दूसरा पाथ लेते हैं, लिमिट पहले वाई टेंड्स टू जीरो जाएगा फिर एक्स टेंड्स टू जीरो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई एज इट इज, तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं वाई को पहले जीरो टेंड करवा दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स टेंड्स टू जीरो बचेगा क्योंकि अभी मैं वाई को पुट करवा रहा हूँ, तो ये जीरो बचा गया, एक्स अपॉन एक्स ये क्या गया वन आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों जो वैल्यूज हैं अलग अलग आई हैं, एक माइनस वन आई है प्लस वन आई है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमने दो पाथ लिए थे, दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों सेम जेड जो जेड है वो जीरो की तरफ जा रहा है, बट दोनों पाथ के केस में जो लिमिट का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी ये लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, हमें ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये प्रूव करना हो ना कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ दिखा देनी है कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट जो है वो यूनिक नहीं है, बाकी जो ये लिमिट है ना ये यूनिक नहीं है, जो आप कह सकते हो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। या आप ये भी दिखा सकते हो कि जो ये वाली लिमिट है, लिमिट जेड डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, ये भी यूनिक नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों में से आप कोई भी दिखा देते हो कि ये जो लिमिट है यूनिक नहीं है या फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम साफ साफ कह देंगे कि जो ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई पॉइंट गिवन हो, किसी हमें पॉइंट पे कहा गया हो कि आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ हमें क्या रखा है कि हमें ये शो करना है जो ये वाला फंक्शन है ना ये ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिस लिमिट को हमें दिखाना होता है कि यूनिक नहीं है, वो हम ये वाली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पॉइंट गिवन ना हो, बट यहाँ हमें पॉइंट गिवन है, हमें ओरिजिन पे दिखाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, हमें क्या कहा गया है जो ये फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, ओरिजिन पे। ठीक है, तो ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ जेड नॉट क्या है, जीरो है, यहाँ हमें जेड नॉट क्या लेना है, जीरो लेना है, मतलब कि हमें जीरो पे दिखाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जेड नॉट जीरो है तो इसका मतलब एक्स नॉट भी जीरो होगा और वाई नॉट भी जीरो होगा। ठीक है, जेड नॉट हम ये मान के अगर चले एक्स नॉट प्लस आयटा वाई नॉट, तो उस केस में एक्स नॉट भी जीरो होगा वाई नॉट भी जीरो होगा, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन ही होगा ना इसका मतलब, तो इसलिए हमने जेड नॉट जीरो लिया है। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड हमारे पास है क्या, एफ ऑफ जेड हमारे पास है अंडर रूट एक्स इंटू वाई का मॉडुलस, तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो मतलब कि जेड जीरो। ठीक है, जेड जीरो मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, क्योंकि जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयटा वाई होता है, तो एक्स जीरो और वाई जीरो होगा तभी जेड जीरो होगा ना, तो इसका मतलब एक्स जीरो वाई जीरो है यहाँ, तो
यहाँ एक्स को भी जीरो पुट कर दो, वाई को भी जीरो पुट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो है। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड आ गया, क्योंकि ये तो जीरो है और ये भी जीरो ही है। ठीक है, अब एफ ऑफ जेड की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। एफ ऑफ जेड क्या था, अंडर रूट एक्स वाई का मॉडुलस, तो अंडर रूट एक्स वाई का मॉडुलस अपॉन जेड। तो हमारे पास जो लिमिट आ गई जेड टेंड्स टू जीरो क्या आ गई, अंडर रूट एक्स वाई का मॉडुलस अपॉन जेड। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड को एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, जेड टेंड्स टू जीरो का मतलब ये ना एक्स और वाई दोनों ही जीरो कॉमा जीरो को टेंड कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये एक्स और वाई में हमने कर दिया। और आपको पता है जेड क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है, तो यहाँ जेड की जगह मैं एक्स प्लस आइटा वाई लिख देता हूँ। तो चलिए अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये लिमिट है ये यूनिक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग पाथ लेंगे। पहला हम पाथ कौन सा लेते हैं, जैसे कि जेड टेंड्स टू जीरो मतलब यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं ये जीरो है, जीरो कॉमा जीरो, और जेड यहाँ होगा, जेड जीरो को अप्रोच कर रहा है, जेड इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ये जीरो ही है ना। तो ये कैसे अप्रोच कर सकता है, एक तो पाथ ये है ऐसे जाके फिर ऐसे जाए, मतलब कि पहले हम एक्स को जीरो अप्रोच करवाएंगे फिर हम वाई को जीरो की तरफ अप्रोच करवाएंगे। ठीक है, और लिमिट मतलब कि यहाँ अंडर रूट एक्स वाई का अंडर मॉडुलस अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई, पहले हम एक्स को जीरो अप्रोच करवाएंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स अब लिमिट को पुट करने वाले हैं, एक्स को मतलब जीरो पुट करने वाले हैं, तो यहाँ एक्स वाली लिमिट तो खत्म होगी ना, सिर्फ वाई वाली बची, तो इसलिए वाई टेंड्स टू जीरो। जब आप यहाँ पुट करोगे तो जीरो इंटू वाई जीरो हो जाएगा, और जीरो अपॉन कुछ भी हो जीरो भी होता है, मतलब कि सारा कुछ ये क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब जब हमने ये वाला पाथ लिया, इस पाथ पे हमारी जो लिमिट है वो जीरो आ रही है। अब दूसरा पाथ चेक करते हैं, दूसरा पाथ हम ये वाला ले लेते हैं, पहले तो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, मतलब कि पहले अब y टेंड्स टू जीरो, पहले y जीरो की तरफ जा रहा है फिर x जीरो की तरफ जा रहा है। अब लिमिट चेक करते हैं, जब y पहले मतलब कि हमें y को जीरो पुट करना है, तो यहाँ y को जीरो पुट करो, पहले तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, अब मैं लिमिट पुट करूंगा पहले y को जीरो, तो देखते हैं क्या आता है। y को जीरो पुट कर रहे हैं तो x ही बचेगा सिर्फ, यहाँ यहाँ जीरो पुट करोगे तो जीरो इंटू एक्स जीरो ही आ जाएगा, जीरो का अंडर रूट जीरो ही होता है, जीरो अपॉन कुछ भी हो जीरो ही आएगा, मतलब ये जीरो आ गया। तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आप देख सकते हो कि दोनों पाथ्स के केस में ये आपका आपने पाथ क्या लिया था, व्हेन पाथ क्या है, एक्स टेंड्स टू जीरो फिर वाई टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और ये पाथ कब है, व्हेन y टेंड्स टू जीरो फिर x टेंड्स टू जीरो। दोनों केस में आपके पास आंसर सेम ही आ रहा है, बट आपको प्रूव क्या करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसके लिए आपको एक और पाथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पाथ के ऊपर तो आपका इक्वल ही आ रहा है, मतलब कि जब चाहे आप इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ आपके पास जो आंसर है वो सेम ही आ रहा है, मतलब कि उस केस में दोनों जो लिमिट है उनका आंसर सेम है। ठीक है, बट हमें तो आंसर डिफरेंट चाहिए ना, हमें तो ये प्रूव करना है कि आंसर सेम नहीं है, आंसर यूनिक नहीं है, मतलब कि सारे पाथ्स पर जो आंसर है वो सेम नहीं है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम एक और पाथ लेके देख लेते हैं। ठीक है, एक पाथ हमारे पास ये बन सकता है, ये वाला y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ये मतलब जेड जीरो को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं ना ऐसे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ से। ठीक है, तो अब हम लेंगे व्हेन y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये लिमिट है ये वाली, इसमें y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एम एक्स पुट कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाएगा लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो, y की जगह क्या पुट कर दो, एम एक्स पुट कर दो, तो x इंटू एम एक्स अपॉन में x प्लस आयटा एम एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो, एक्स इंटू एक्स एक्स केयर हो जाएगा। ठीक है, एक्स केयर एम का मॉडुलस अपॉन में एक्स प्लस आइटा एम एक्स। ठीक है, एक्स केयर का जो मॉडुलस होगा वो क्या आएगा, स्केयर का काम भी क्या है, पॉजिटिव कर देना, मॉडुलस का काम भी पॉजिटिव कर देना, तो इसको मैं सिर्फ एक्स केयर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स केयर इंटू एम का मॉडुलस अपॉन एक्स प्लस आइटा एम एक्स। ठीक है, और लिमिट जो है हमारी चल रही है वो एज इट इज। नेक्स्ट टाइम में ये एक्स स्क्वायर इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो
तो x इक्वल बन जाएगा, और यहाँ से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ वन बचेगा और यहाँ x गायब हो जाएगा, तो वन प्लस एट एम बचेगा, ये x से x कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो अंडर रूट क्या बचा m का मॉडुलस अपॉन में वन प्लस आयटा एम बचा। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, यहाँ हमारे पास जो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स में जो ये m लिया था ना वही यहाँ m है। ठीक है, तो यहाँ हमारे x और y तो चलो खत्म ही हो गए, x और y तो है ही नहीं, तो लिमिट जब हम पुट करेंगे तो यहाँ x और y तो है ही नहीं ना पुट करने के लिए, तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो यही आ जाएगा ये। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसका मतलब जो आपकी ये लिमिट है, जो आपने ये लिमिट ली थी, ये वाली लिमिट ली था ना, इसमें y की जगह आपने mx पुट कर दिया था, मतलब कि जब आपने पाथ क्या ले लिया था y इज इक्वल टू mx ले लिया था, तो तब इस केस में जो आपकी ये लिमिट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, m के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज करते जाओगे, मतलब कि m को 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, ठीक है, इसके साथ आपका जो ये पाथ है ये भी चेंज होता जाएगा, y इज इक्वल टू 1x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, ये पाथ चेंज होते जाएंगे ना, तो जैसे जैसे ये पाथ चेंज होते जाएंगे m की वैल्यूज के साथ साथ, वैसे वैसे आपकी जो लिमिट है वो भी चेंज होती जाएगी, क्योंकि m के ऊपर अब आपकी डिपेंड कर रही है लिमिट, क्योंकि m की वैल्यूज यहाँ पुट करते रहो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगे लिमिट की। इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ पर जो आपकी लिमिट है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, दिस लिमिट इज नॉट यूनिक, ठीक है, सिंस इट डिपेंड्स अपॉन m, ठीक है, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज नाउ वेयर डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं किसी भी पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है और हर पॉइंट पर यह कॉन्टिन्यूस है। तो शुरू करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इसकी, कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी आती है, मैंने कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाले टॉपिक में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से आपको बताया था हम कैसे कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं उस वीडियो में जिसमें आपके पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार था। ठीक है, उसमें हम कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से। तो कॉन्टिन्यूटी क्या है, होमवर्क है आपका, अब हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूस तो ये फंक्शन है ही ना, ये हमें चीज़ प्रूव करनी है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, ये आपको प्रूव खुद करना है, मैंने आपको ये करवाया था। अब हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है, जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें ये प्रूव करना होता है कि जो ये लिमिट है डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z क्या है, यूनिक है, मतलब कि कोई भी पाथ से डेल्टा z जीरो को अप्रोच करे आंसर सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि आंसर जो है अलग अलग पाथ से जो हम करेंगे ना तो सेम नहीं आएगा, सारे पाथ से जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा, ये हमें दिखाना है। यहाँ हमने ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हमें यहाँ कोई पॉइंट नहीं गिवन है, हमें ये नहीं कहा कि ओरिजिन पे चेक करना है या इस पॉइंट पे चेक करना है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, मैं कि जब हमें पॉइंट नहीं गिवन होता ना तब हम ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास एफ ऑफ जेड हमें क्या गिवन है, जेड बार गिवन है, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या होगा, ये होगा जेड प्लस डेल्टा जेड का बार। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, z प्लस डेल्टा z का बार माइनस एफ ऑफ z, तो आपके पास है z बार अपॉन में डेल्टा z एज इट इज लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में z प्लस डेल्टा z के बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, z का बार प्लस डेल्टा z का बार माइनस z बार अपॉन में डेल्टा z लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये कट गया तो आपके पास क्या बचा, डेल्टा जेड का बार अपॉन में डेल्टा जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब देखिए जो जेड होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस आयटा वाई होता है। ठीक है, तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वाई होगा।
और अगर मैं डेल्टा जेड बार की बात करूं तो ये क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस सॉरी माइनस आयोटा डेल्टा वाई। इस बार का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब कि आयटा वाली जो टर्म है ना, जहां जहां आयटा वाली टर्म है उसके आगे माइनस कर दो, मतलब कि आयटा वाली के आगे का जो साइन है उसको आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो वही हमने करा है, तो ये आपका ये होगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। इसके आगे हम क्या करें, हमें तो इस लिमिट को यूनिक प्रूव करना है ना, तो अब हम लेंगे पाथ्स, ठीक है। यहाँ जब डेल्टा वाली मतलब कि जब ये वाला फॉर्मूला होता है ना, तब हम पाथ्स कैसे लेते हैं, देखिए पहला आपको पाथ लेना है ए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे हमारे पास ये एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मान लेते हैं जो हमने लाइन दी है यहाँ ऐसी दी है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन ली है, ये लाइन क्या होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के आप देख रहे हो पैरेलल है, जो वाई है वो क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है, वाई क्या आ जाएगा के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट है, के हमारा कोई कॉन्स्टेंट नंबर है। आप देखते हो तो वाई यहाँ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स ही चेंज हो रहा है, तो मतलब हेयर वाई क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अगर वाई कांस्टेंट है तो डेल वाई क्या होगा, आपको पता है जब वाई कांस्टेंट होता है तो उसका अगर हम डेल लें तो वो क्या आता है, जीरो आता है, तो डेल वाई क्या आएगा, जीरो आएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वाई क्या है, जीरो है, ठीक है, अपॉन में डेल्टा एक्स, तो कट के आंसर क्या आ गया, वन आ गया, मतलब लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो वन, आंसर क्या आ गया, वन आ गया। इसका मतलब जब हमने पाथ एक्स एक्सिस के अलोंग लिया तब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना तो आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम पाथ लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग एक्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, उसके इसमें तो एक्स कांस्टेंट है, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स को अब आप यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, ये जीरो हो गया, तो मतलब कि यहाँ आयोटा डेल्टा वाई अपॉन माइनस आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो आयोटा डेल्टा वाई अपॉन माइनस आयोटा डेल्टा वाई, ये कट गया, आंसर क्या आ गया, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो माइनस वन, मतलब कि आंसर माइनस वन आ गया। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जब आपने एक्स एक्सिस के अलोंग पाथ लिया था, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग पाथ लिया था, तो उस केस में आपके पास आंसर वन आ रहा है, ठीक है। और जब वाई एक्सिस के अलोंग पाथ लिया तब आंसर क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं इक्वल होते, तो इसका मतलब अलग अलग पाथ जब आपने लिए हैं तो आपके पास जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही, ठीक है, लिमिट भी अलग अलग आ रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो आपके पास जो फंक्शन जो हमने लिया था z बार इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, आप ऊपर लिख देना, क्योंकि f डैश z जो है इज नॉट यूनिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शो दैट द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z के मॉडुलस का स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हर जगह बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, मैं कॉन्टिन्यूटी दिखाते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो एफ ऑफ जेड हमें क्या गिवन है, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये जेड इंटू जेड बार, ये हमारे पास z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में z की वैल्यू आपको पता क्या होती है, x प्लस आयोटा y होती है, ठीक है, और z बार की क्या होगी, x माइनस आयोटा y, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ z क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आपको पता है f ऑफ z जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, जहाँ u x कोमा वाई प्लस आयोटा v x कोमा वाई की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो हमारे पास u x कोमा वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ आयोटा जीरो,
ठीक है, ये प्लस आइटा जीरो, इसको आप कंपेयर करो तो यू एक्स कोमा वाई की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, और वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एक बात आप याद रखना कि एफ ऑफ जेड अगर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई के इक्वल है, अगर एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस है, एफ ऑफ जेड क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो यू एक्स कोमा वाई जो होगा और वी एक्स कोमा वाई होगा ना, यू एक्स कोमा वाई एंड वी एक्स कोमा वाई, ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। जहाँ हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो देखिए हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो इसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों के इक्वल, ये आपका यू है और ये आपका वी है, ठीक है, u हमने ये लिख दिया, v हमने ये लिख दिया। अब देखिए u क्या है और v क्या है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं ना, है ना, ये पॉलिनोमियल जो होते हैं, तो ये दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स अगर ये हैं तो आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसका मतलब यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आप लिखोगे यू एंड वी आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, सो एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूस, बस कॉन्टिन्यूटी प्रूव होगी। अगर आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इसको करना चाहते हो तो आप उससे कर लो, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो कि यू और वी कॉन्टिन्यूस हैं तो इसलिए एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो ये फंक्शन है ना, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो सिर्फ ओरिजिन पे होगा और उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तो ओरिजिन पे होगा, तो मतलब कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी तो हर जगह दिखानी है कि हर जगह ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, बस ओरिजिन को छोड़कर। तो मतलब हमें यहाँ अभी पॉइंट नहीं गिवन है कि किस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें बस ये कह रखा है ये डिफरेंशिएबल नहीं है जी, ठीक है। तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ डैश जेड किसके इक्वल होता है, उस केस में लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, अब एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या था, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड के मोड का स्क्वायर माइनस यहाँ z के मोड का स्क्वायर अपॉन डेल्टा z आ जाएगा। पता है मैंने अभी बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, z मोड के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, z इंटू z का कॉन्जुगेट, ठीक है, इसी तरह यहाँ z प्लस डेल्टा z है तो यहाँ क्या होगा, z प्लस डेल्टा z इंटू z प्लस डेल्टा z का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये लिख दिया। माइनस में यहाँ भी z इंटू z का कॉन्जुगेट अपॉन में डेल्टा z एज इट इज लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू, मैं आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसा है जेड प्लस जेड नोट का बार है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड का बार प्लस जेड नोट का बार, ठीक है। सिमिलरली यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, जेड का बार प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जेड इंटू जेड बार आ जाएगा, ठीक है, जेड इंटू डेल्टा जेड बार आ जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार, फिर प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार आ जाएगा माइनस जेड जेड बार एज इट इज, और पूरे के अपॉन में क्या है डेल्टा जेड, और यहाँ लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये कट गया, ठीक है, आपके पास क्या बचा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, डेल्टा जेड को इसके नीचे भी ले जो, इसके नीचे भी ले जो, इसके नीचे भी ले जो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है, प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, ये डेल्टा जेड से ये डेल्टा जेड कट गया, यहाँ से ये डेल्टा जेड कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ जेड बार प्लस यहाँ डेल्टा जेड बार। अब देखिए आपको एक लिमिट की प्रॉपर्टी पता है कि अगर आपके पास लिमिट ऐसे हो, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, जहाँ मैं सिंपल बात करूँ एक्स टेंड्स टू जीरो है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स हो जाता है प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एक्स हो जाता है, मतलब कि लिमिट हम ऐसे बांट देते हैं दोनों को। सिमिलरली इस केस में भी लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, पहले मैं लिमिट इसको दे देता हूँ,
ठीक है, मतलब कि एक लिमिट इन दोनों की है, जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है, प्लस एक लिमिट, सॉरी प्लस जेड बार, ठीक है, प्लस एक लिमिट हम इसको दे देते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो डेल्टा जेड बार। अब इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है, अगर z टेंड्स टू जीरो है ये कब होगा, जब x जीरो होगा और y जीरो होगा। सिमिलरली z इज इक्वल z बार क्या होता है, x माइनस आइटा वाई होता है, ठीक है, z बार जीरो कब होगा, जब x जीरो होगा y जीरो होगा। इसका मतलब जब z हम कह रहे हैं जीरो है तब x और y जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब z बार भी उस केस में जीरो होगा, क्योंकि उस केस में x और y तब भी जीरो ही होंगे ना, z का कॉन्जुगेट भी जीरो ही होगा। तो इसका मतलब जब z जीरो है तो z का कॉन्जुगेट भी जीरो होगा। तो यहाँ डेल्टा z टेंड्स टू जीरो है तो लिमिट पुट करोगे तो डेल्टा z का बार भी जीरो आ जाएगा, तो ये टर्म जीरो होगी। तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो z डेल्टा z का बार अपॉन डेल्टा z प्लस z बार बचा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ z को जीरो मान लूँ, ठीक है, लेट z हमारा क्या है, जीरो है, यहाँ z क्या है हमारा, जीरो है, ठीक है, लेट z इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी टर्म जीरो होगी, मतलब क्योंकि जेड जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो, अगर जेड जीरो के इक्वल है तो जेड कॉन्जुगेट भी जीरो के इक्वल होगा, तो ये भी टर्म पूरी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया इस लिमिट का, मतलब कि एफ ऑफ एफ डैश जेड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो क्या है, एक यूनिक आंसर है, यूनिक आंसर, ठीक है, हाँ जीरो क्या है, यूनिक आंसर है। तो इसका मतलब जब z जीरो हो जाता है तो उस केस में हमारे पास f डैश z क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। z जीरो कब होता है, जब x जीरो है और y जीरो है, z किसके इक्वल है, x प्लस आइटा y के इक्वल होता है ना, तो जब x जीरो होगा y जीरो होगा तब z भी जीरो होगा, ठीक है। x जीरो और y जीरो कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ओरिजिन है, मतलब कि जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड जेड मॉडुलस का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ रहा है, इसकी मतलब कि जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, यूनिक आ रही है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ओरिजिन पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ तो प्रूव कर दी कि जो ये फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है किस पे, ओरिजिन पे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये तो समझाने के लिए बताया, इफ जेड इज इक्वल टू जीरो देन आपके पास जो एफ डैश जेड आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब कि यूनिक आएगा, ठीक है। सो जेड का स्क्वायर, मतलब कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, हमने ओरिजिन पे इसको डिफरेंशिएबल प्रूव कर दिया, ये हो गया। पर हमें शो क्या करना है, ओरिजिन के अलावा कोई भी हम पॉइंट लेते हैं उस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो वो हमें दिखाना है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ये लिमिट आई है, इस लिमिट को हमें ये दिखाना है कि ये यूनिक नहीं है, तो उसके लिए हम अलग अलग क्या करते हैं, पाथ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, अगर z नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो उस केस में इसको हमें क्या प्रूव करना है कि लिमिट यूनिक नहीं आएगी। तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, हम लिखेंगे इफ z नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारी लिमिट ये आ रही है, ठीक है। हमें पता है कि z क्या होता है, x प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है, और डेल्टा z क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, और डेल्टा z बार क्या हो जाएगा, डेल्टा x माइनस आइटा डेल्टा y। तो डेल्टा z बार की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा x माइनस आइटा डेल्टा y आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या है, डेल्टा z, मतलब कि डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y आ जाएगा, प्लस में z बार मतलब x माइनस आयोटा y आ जाएगा, ठीक है। अब हम पाथ लेंगे, तो पाथ हम पहले लेंगे इफ डेल्टा z अप्रोच कर रहा है जीरो को, कैसे, अलोंग पाथ जो क्या है, पैरेलल है टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, y कांस्टेंट है तो डेल्टा y क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, यहाँ ना एक्स प्लस आइटा वाई को आप मतलब कि जो ये जेड है इसको ऐसे रहने दो, जेड ही रहने दो इसको, ठीक है, और इसको भी जेड बार ही रहने दो। चलिए यहाँ डेल्टा वाई को जीरो पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड एज इट इज, डेल्टा एक्स माइनस ये टर्म जीरो होगी, अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस
ये टर्म जीरो होगी, ठीक है, और प्लस में z बार। तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो, आपके पास क्या आ जाएगा, z ये कट जाएगा क्योंकि डेल्टा x अपॉन डेल्टा x वन ही आ जाएगा, तो z प्लस z बार आ गया, ठीक है। एक तो हमारे पास लिमिट ये आ गई। अब हम पाथ लेंगे इफ डेल्टा z टेंड्स टू जीरो किसके अलोंग है, मतलब कि डेल्टा z जीरो को अप्रोच कर रहा है, अलोंग पाथ पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो उस केस में क्या हो जाता है, x क्या हो जाता है, कांस्टेंट, x कांस्टेंट है तो डेल्टा x क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसमें डेल्टा x को जीरो पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो, जहाँ जहाँ डेल्टा x है ना वहाँ आपको जीरो पुट करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, z इंटू माइनस आयटा डेल्टा y अपॉन आयटा डेल्टा y प्लस z का बार, ठीक है, ये कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो माइनस z प्लस z बार आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट ये आ गई। तो दोनों लिमिट्स क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, एक z प्लस z बार है, एक माइनस z प्लस z बार है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो लिमिट है वो क्या है, यूनिक नहीं है, ठीक है। अगर हम अलग अलग पाथ लेते हैं z नॉट इक्वल टू जीरो के केस में, अगर हम अलग अलग पाथ लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारी जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, यूनिक नहीं आ रही। तो हम क्या कहेंगे फिर कि एफ डैश जेड जो हमारे पास आ रहा है, एक बार तो हमारे पास एफ डैश जेड क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, और एक केस में हमारे पास एफ डैश जेड क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ जो हमारी लिमिट्स हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, एफ डैश जेड की वैल्यू अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आ रही है, यूनिक नहीं है। तो एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक, ठीक है। सो फंक्शन जो है क्या वाला, जेड मॉडुलस का स्क्वायर इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन पे तो हमने दिखा दिया ना कि वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि उस केस में हमारे पास एक ही आंसर आता है, जीरो। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर हमें किसी को डिफरेंशिएबल प्रूव नहीं करना, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। इसके बाद आपके पास ना एक एग्जांपल और है जिसमें आपको कहा गया है, यूजिंग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कोस स्क्वायर टू जेड प्लस थ्री आयोटा का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, z माइनस थ्री आयोटा की पावर फोर जेड प्लस टू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये आप खुद कर सकते हो, ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको करनी है d बाय dz, मतलब कि z के रिस्पेक्ट में करनी है। तो आपने छोटी क्लासेस में तो कर रखी है ना कि डिफरेंशिएबल हम डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसमें कुछ नहीं है। तो आप ये खुद भी कर सकते हो।